नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ और गाइस आज हम एक नई फ्रेग्रेंस के ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है फ्रेग्रेंस एंड फैशन। तो गाइस हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं जिन्होंने और सारे अत्तर्स की और अत्तर क्लोन्स की डिमांड की थी, तो मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया और मैंने फ्रेग्रेंस एंड फैशन ब्रांड की तरफ से जो पैक ऑफ 10 का जो पैकेट आता है वो मैंने मंगा लिया है। तो आइए फ्रेंड्स इसके बारे में पूरी बातें करते हैं, देखते हैं कौन से अत्तर है और ये कौन से महंगे डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस के क्लोन हैं। तो अगर पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो इधर ब्लैक कलर का पैकेजिंग है और फ्रेग्रेंस एंड फैशन लिखा हुआ है, ऊपर एक बटरफ्लाई का डिज़ाइन बना है, पीछे इन लोगों ने एक बारकोड जैसा दिया है जिसको स्कैन करके आप इनके वेबसाइट में जाके ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। इधर पीछे MRP लिखी है, MRP इसकी लिखी 2000 है, मगर आगे हम ऑनलाइन प्राइस की और वैल्यू फॉर मनी की भी बात करेंगे। अगर पैकेज के अंदर अगर हम देखें तो कुछ बहुत ही प्रीमियम सा एक बॉक्स मिलता है हमको, इधर एक टेक्सचर जैसा दिया गया है डिज़ाइन जो कि एनग्रेव्ड है, इधर उनके ब्रांड फ्रेग्रेंस एंड फैशन की बात की गई है और बॉक्स खोलने पर एक बहुत ही सुंदर हमको एक बेहतरीन एक डिज़ाइन जैसा एक अच्छा खासा एक सेट मिल जाता है। तो गाइज मैंने जो मंगाया है वो सेट ऑफ 10 मंगाया है मैंने, इसमें हमको बहुत सारे अलग अलग टाइप के अत्तर मिल जाते हैं और बहुत सारे हमको बेहतरीन क्लोन्स भी मिल जाते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से ये फ्रेग्रेंस एंड फैशन के पैक ऑफ 10 का अत्तर बॉक्स दिखता है। अंदर से मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी इनको कि इन लोगों ने अत्तर को रखने के लिए कुशनिंग दिया है। अगर आप देखें तो इधर स्लॉट्स बने हुए हैं और एक कुशन जैसा दिया गया है, क्योंकि अत्तर कांच के बॉटल में आते हैं इसलिए ये कुशनिंग बहुत ही एक अच्छा काम करता है, ट्रैवलिंग में भी काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है। तो गाइस एक एक करके हम इनके अत्तर के बारे में बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं ब्लू वाटर से। तो ब्लू वाटर में गाइस मैंने जब इसको ट्राई किया है तो ये एक हूबहू हमारे फेवरेट डेविड ऑफ कूल वाटर का क्लोन है। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने हमारा और भी वीडियोस देखा है तो मैंने और भी बहुत सारे क्लोन्स के बारे में बातें की है, आप जाके चेक कर सकते हैं उनको चैनल में। तो गाइस ब्लू वाटर जो है वो डेविड ऑफ कूल वाटर का बहुत ही एक बेहतरीन क्लोन है। मुझे इसके बॉटल के डिज़ाइंस बहुत सुंदर लगे क्योंकि कैप भी जो है ये अलग अलग कलर के दिए गए हैं इनके टाइप ऑफ स्मेल को रिजेंबल करने के लिए और इनके टाइप ऑफ स्मेल को अच्छा समझाने के लिए इनके कैप के कलर्स दिए गए हैं। काफ़ी प्रीमियम लगता है मुझे, बहुत ही बेहतरीन स्मेल है और काफ़ी अच्छा एक क्लोन है ये, मुझे बहुत पसंद आया। और गाइस इधर जो है ये लोग ने ऊपर के सेक्शन में रोल ऑन्स दिए गए हैं, अगर हम इनको ट्राई करना चाहें तो हम रोल ऑन्स को अत्तर में लगा के इनको हम कपड़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कपड़ों और बॉडी पे दोनों पे अप्लाई किया था, नेक रीजन पे बॉडी पे अप्लाई किया था और कपड़ों पे अंडर आर्म्स के एरिया में मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि ये अच्छे खासे कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम ऑयल्स होते हैं जो अत्तर होते हैं, तो कपड़ों में साइड में लगाना काफ़ी अच्छा रहेगा ताकि हमको कुछ भी स्मज ना मिले या कुछ ये ना मिले। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कपड़ों में साइड में अंडर आर्म्स के इधर और इस सेक्शन में आप अप्लाई कीजिए और नेक रीजन में आप अप्लाई कीजिए अच्छे खासे प्रोजेक्शन और लास्टिंग के लिए। तो गाइस ये है ब्लू वाटर जो कि डेविड ऑफ कूल वाटर का क्लोन है। अगला जो फ्रेग्रेंस है गाइस वो है चेस्टिटी। तो गाइस चेस्टिटी जब मैंने ट्राई किया तो मुझे एक फ्रेग्रेंस की इससे याद आ रही थी और जब मैंने अपने सेक्शन में देखा तो मुझे पता चला कि जो गुची गिल्टी है उसका ये काफ़ी बेहतरीन एक क्लोन है। हालांकि हल्का सा ये ओपनिंग में थोड़ा सा अलग सा एक फ्लोरल है नोट इसमें जो कि इसको थोड़ा सा ओपनिंग में गुची गिल्टी से अलग बनाता है, मगर ड्राई डाउन में जाके ये काफ़ी सिमिलर हो जाता है गुची गिल्टी से। हम इसको काफ़ी अच्छा खासा एक क्लोन एक इंस्पायर्ड अत्तर बोल सकते हैं चेस्टिटी को गुची गिल्टी का। तो गाइज ये सारे ही जो अत्तर्स है जो 10 के 10 है ये 6 ml के बॉटल्स में आते हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है मेरे ख्याल से एक क्लोन्स के लिए। आइए अगला वाला हम देख लेते हैं। तो गाइस मैजेस्टिक जो है इसको एक इंडियन टच दिया गया है, एक सैंडलवुड जैसी इसमें ओपनिंग दी गई है और हल्का फुल्का इसमें फ्लोरल का नोट दिया गया है। और इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसका जो अत्तर है वो पूरा क्लियर है लिक्विड में, तो हम कहीं पे भी अब कपड़ों पे लगाते हैं या फिर कहीं पे भी लगाते हैं तो कहीं पे भी मार्क नहीं छोड़ता है, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी मैजेस्टिक की। अगला जो फ्रेग्रेंस है गाइस जो अगला जो अत्तर है हमारे सेक्शन में वो है गोल्ड सिगार। तो गाइस गोल्ड सिगार जो है इसको ट्राई करने पर मुझे ये पता चला कि ये ओपनिंग में जो है ये काफ़ी बेहतरीन एक टबैको और एक सिगार का नोट देता है, मगर ड्राई डाउन में ये काफ़ी वुडी हो जाता है, हल्का फुल्का इसमें ऊद आता है, मगर इसको मेलो डाउन करने के लिए
थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस भी यूज किया गया है, जो कि इसको काफ़ी अच्छा वेरिएबल फ्रेग्रेंस बनाता है। और ऑब्वियसली गाइस, जो सिगार टबैको ऊद टाइप के और जिसमें स्वीटनेस होती है, वो हमको काफ़ी अच्छी लास्टिंग देती है। ऑल्दो ये सारे ही जो अत्तर है, ये हमको इजीली 5 to 6 hours की लास्टिंग दे देते हैं, मगर उसमें से गोल्ड सिगार जो है, और भी एक दो फ्रेग्रेंसेस है जो एक दो अत्तर से मैं आपको बताऊंगा, वो हमको इजीली 7 to 8 hours की भी लास्टिंग दे देते हैं। प्रोजेक्शन के बारे में मैंने गाइस आपको बताया कि अत्तर से हमको, अत्तर में अल्कोहल नहीं होता, सिंथेटिक चीज़ें यूज़ नहीं की जाती है, इसलिए हमको प्रोजेक्शन की उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हालांकि हमको गाइस 45 minutes to 1 hour की इनिशियली प्रोजेक्शन मिल जाती है अगर आप बॉडी और कपड़े दोनों पे अप्लाई करें तो। तो गाइस, ये था गोल्ड सिगार, जिसमें हमको अच्छा खासा एक टबैको का और अच्छा खासा एक वुडी सैंडलवुडी सा नोट मिल जाता है। नेक्स्ट जो फ्रेग्रेंस है गाइस, वो है ब्लू मैन। तो गाइस, ब्लू मैन जो है, ये जैगुआर ब्लैक का क्लोन है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पूरे सेक्शन में काफ़ी अच्छे अच्छे क्लोन्स वो लोग ने क्लोन अत्तर्स निकाले हैं, तो ये पूरा सेट खरीदना हमको काफ़ी फायदे में भी पड़ जाता है, इसलिए मैंने पैक ऑफ 10 ही एक बार में मंगा लिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि इनके डिटेल रिव्यूज लेके आऊँ, तो इसमें से किसके बारे में आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं, कौन से वाले अत्तर के बारे में आप लाइव कंपैरिजन और डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका डिटेल रिव्यू और लाइव कंपैरिजन लेके आओ। तो गाइस, ब्लू मैन जो है, ये जैगुआर ब्लैक का क्लोन है। ऐसा कह सकते हैं कि 75 to 80% हमको जैगुआर ब्लैक से सिमिलर मिल जाता है, एक इंस्पायर्ड अत्तर बोल सकते हैं इसको। अगला जो अत्तर है गाइस, वो है टबैको ऊद। तो गाइस, टबैको ऊद की अगर हम बात करें, तो इसको हम काफ़ी एक सुंदर वाला एक ऊद बोल सकते हैं, जिसको कि जिसमें हल्का फुल्का स्वीटनेस डाला गया है। गाइस, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि कुछ अच्छा वाला ऊद बताइए, जिसमें कि हमको ऊद के प्योर स्मेल का एसेंस मिले। तो गाइस, टबैको ऊद में मुझे वो वाला ऊद का एसेंस मिला है जो ओरिजिनल ऊद का एसेंस देता है। हाँ, इसको थोड़ा सा मेलो डाउन करने के लिए इसमें हल्का फुल्का स्वीटनेस यूज़ किया गया है, ताकि वो उसका जो बहुत ज़्यादा हार्श स्मेल होता है, उसको थोड़ा मेलो डाउन किया जाए। मगर काफ़ी अच्छा, अगर आपको ऊद ट्राई करना है, तो आप ज़रूर टबैको ऊद को, टी ऊद जो इसका नाम है, उसको ट्राई कर सकते हैं। और गाइस, ये जो है, ये टॉम फोर्ड के टबैको ऊद से इंस्पायर्ड क्लोन है, जो कि टॉम फोर्ड की कंपनी का एक बहुत ही फेमस फ्रेगरेंस है, जो कि है टॉम फोर्ड का टबैको ऊद, उसका इंस्पायर्ड क्लोन है। तो बहुत ही बेहतरीन फ्रेगरेंस लगा। और एक बात गाइस, कि ये सारे ही फ्रेगरेंसेस में से ये सबसे ज़्यादा हमको लास्टिंग देती है, और काफ़ी अच्छी प्रोजेक्शन भी हमको मिल जाती है। अगला जो फ्रेग्रेंस है गाइस, वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि वो जो परफ्यूम है, वो भी मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्वा फ्रेश की। तो गाइस, एक्वा फ्रेश जो है, वो जॉर्जियो अरमानी के एक्वा डी जियो पोर होम, प्रोफूमो वाला वर्जन नहीं गाइस, मैं पोर होम की बात कर रहा हूँ। मैं प्रोफूमो के भी क्लोन के बारे में एक वीडियो लेके आऊँगा, कुछ डिमांड्स आए हैं मेरे ध्यान में है वो। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्वा डी जियो पोर होम के बारे में, उसका बहुत ही बेहतरीन एक क्लोन बोल सकते हैं, एक इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं, जो कि है एक्वा फ्रेश इस कलेक्शन में से। तो गाइज, आपको बॉटल दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि मैं कौन से फ्रेग्रेंस की बात कर रहा हूँ। गाइज, मैं बात कर रहा हूँ एक्वा डी जियो पोर होम के अरमानी, जॉर्जियो अरमानी की कंपनी से, जो बेसिकली ये जो फ्रेग्रेंस है, ये जो परफ्यूम है, ये वर्ल्ड का मोस्ट सोल्ड मेंस फ्रेग्रेंस माना जाता है। तो बहुत ही फेमस फ्रेग्रेंस है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा ये पसंद है। तो मुझे जब इतने ज़्यादा बजट में मुझे ये अत्तर मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ओपनिंग में इसमें हल्का सा माइल्ड एक जैस्मिन का नोट आता है, जो कि हल्का माइल्ड इसको फ्लोरल नोट देता है ओपनिंग में, जिसको ये थोड़ा सा ओपनिंग में अलग कर देता है, मगर ड्राई डाउन में ये कम्प्लीटली एक्वा डी जियो पोर होम से सिमिलर है। ऐसा बोल सकते हैं कि कम्प्लीटली एक बहुत बेहतरीन एक क्लोन है। अगला जो लिस्ट में है गाइस, वो है क्रोम। तो ये पैक ऑफ 10 में बहुत सारे बेहतरीन हमको क्लोन्स मिले हैं। तो ये जो क्रोम है गाइस, ये अजारो क्रोम का एक बहुत ही बेहतरीन एक क्लोन है। इसके टॉप नोट में पचुली बर्गमोंट का एक नोट आता है, मगर इसमें हल्का फुल्का लिली और जैस्मिन का भी एक फ्लोरल नोट आता है। फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन एक क्लोन मान सकते हैं इसको। अगला जो फ्रेग्रेंस है गाइस, वो है फ्रेश लिली। फ्रेश लिली के बारे में अगर हम बात करें, तो इसको इसके लिली स्मेल की वजह से इसको एक विमेंस फ्रेग्रेंस मान सकते हैं, मगर इसको एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस भी मान सकते हैं। स्मेल करने पर गाइस, इसमें एक गार्डन जैसा एक बहुत बेहतरीन एक फ्रेग्रेंस आता है, मगर कम्प्लीटली ये लिली जैसा भी नहीं एक स्मेल आता है, मगर बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा कोई
फूलों के गार्डन में आप अगर जाए तो जैसे कि फूलों के किसी बगान में आप जाए, जैसी वहाँ पे खुशबू आती है वैसी हमको इसमें से खुशबू मिल जाती है गाइस। आखिरी वाला जो है हमारे लिस्ट में वो है स्पैनिश रोज गाइस। तो स्पैनिश रोज वाला जो है वो ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें एक रोज का स्मेल है, मगर इसमें एक अलग नोट भी यूज किया गया है जिसमें गाइस कि इसमें एक ऑरेंज का नोट आता है। ऑरेंज के नोट की वजह से इसको एक सिट्रसी नेस मिलता है। मगर गाइस अगर आप लोगों ने कुछ कुछ अत्तर स्मेल किए होंगे जिसमें कि गुलाब जल का खुशबू आता है, इसमें बहुत ही बेहतरीन एक गुलाब जल की भी खुशबू आपको मिल जाती है जो कि इसके रोज़ के एसेंस को काफ़ी अच्छे से ये करता है, एनहेंस करता है और बहुत एक अच्छी खासी हमको एक प्रोजेक्शन भी मिल जाती है। गाइस अभी बात कर लेते हैं हम एज ग्रुप के बारे में। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ गाइस तो यंग से लेके काफ़ी एजेड लोग के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए इस पैक ऑफ 10 में अत्तर दिया गया है। जो क्लोन लवर्स है उनके लिए भी काफ़ी अच्छे अत्तर्स है और जो नॉर्मल फ्रेग्रेंसीज यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे अत्तर्स है। गाइस अगर मैं प्रोजेक्शन और लास्टिंग की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द अत्तर से हमको 5 to 6 आवर्स की लास्टिंग मिल जाती है और कुछ जो है जैसे कि टबैको ऊद वाला और जो सिगार वाला जो फ्रेग्रेंस है जो अत्तर है उससे हमको इजीली 8 आवर्स की लास्टिंग मिल जाती है। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन पे आते हैं गाइस तो MRP इसकी 2000 रुपीज़ है, मगर ऑनलाइन हमको ये 799 रुपीज़ में पैक ऑफ 10 मिल जाता है। तो करीब हमको 6 ml के 10 बॉटल मिल जाते हैं 799 रुपीज़ पे, तो एक बॉटल हमको 80 से 90 रुपये का पड़ता है। ये काफ़ी मेरे ख्याल से बजट फ्रेंडली है। मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से यूज़ करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इनके हर एक अत्तर के आपको डिटेल रिव्यू आपके सामने लेके आऊँ। गाइज इसमें से कौन से अत्तर के बारे में आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते, एक लाइव कंपैरिजन देखना चाहते, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेग्रेंस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।